हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। आज मैं और एक सेशन बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है ओएसपीएफ राउटर आईडी, ठीक है, और ओएसपीएफ टेबल्स, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ओएसपीएफ राउटर आईडी के बारे में, उसके बाद में ओएसपीएफ टेबल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओएसपीएफ राउटर आईडी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले राउटर आईडी मीन्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, तो राउटर को एक पर्टिकुलर नाम, जैसे कि अभी जस्ट कंसिडर करते हैं कि मेरे पास क्लास है, मैं क्लासरूम में हूँ, मेरे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हर एक का एक अलग अलग नाम है। लाइक जस्ट कंसिडर किसी का नाम ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। तो इसका मतलब क्या होता है, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने नाम से एक अपने आप को आइडेंटिटी दे रहा है, करेक्ट, आइडेंटिटी दे रहा है, ताकि मैं उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। सेम एज ओएसपीएफ के अंदर भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक राउटर आईडी देते हैं, ठीक है। तो राउटर आईडी कुछ किस तरीके से होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ एक्टिव फिजिकल इंटरफेस ऑफ द राउटर इज अ राउटर आईडी, ठीक है। अगर मेरे पास एक राउटर है, इसके अगर जस्ट कंसिडर करो इसके 3 इंटरफेस है और मैं हर इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। जस्ट कंसिडर दिस इज आईपी एड्रेस 10.0.0.1, ओके। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास बी का नेटवर्क 172.16.168.1.10, कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 192.168.1.100, ठीक है। तो सबसे पहले ओएसपीएफ क्या बोलता है, द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द एक्टिव फिजिकल इंटरफेस ऑफ द राउटर इज अ राउटर आईडी। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरा क्लास ए का नेटवर्क है, ये मेरा क्लास बी का नेटवर्क है और ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है। अगर मैं तीनों में देखता हूँ, सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो कि मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो अगर इस राउटर के ऊपर अगर मैं ऑटोमेटिकली, लाइक जब मैं ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही राउटर आईडी उठाता है। करेक्ट, दोनों टाइप से हम लोग राउटर आईडी दे सकते हैं, एक होता है ऑटो, ठीक है, ऑटो में हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राउटर ऑटोमेटिकली हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस उठा के उसको राउटर आईडी बना देता है, ठीक है। सेकंड होता है मैन्युअली, मैन्युअली हम लोग राउटर आईडी असाइन कर सकते हैं, सिंपल सा कमांड है राउटर हाइफन आईडी, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक इंटरफेस का आईपी एड्रेस डाल के उसको हार्ड कोर रूप से राउटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, राउटर आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ पे अगर जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ उस कंडीशन में मैं राउटर आईडी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली होने वाला प्रोसीजर है। अगर मेरे पास 3 इंटरफेसेस है, एक राउटर के ऊपर 3 इंटरफेसेस है, तो इस सिचुएशन में ये सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस फाइंड आउट कर पा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये जो मेरा इंटरफेस है, ये मेरा बन जाएगा राउटर आईडी, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इफ सपोज अगर मेरे पास फिजिकल इंटरफेस भी है और मेरे पास एक वर्चुअल इंटरफेस है, जस्ट कंसिडर ये मेरा लुपबैक इंटरफेस है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब मेरा लुपबैक इंटरफेस है, लुपबैक मतलब वर्चुअल इंटरफेस है, लॉजिकल इंटरफेस है मेरे पास, वर्चुअल नहीं बोलेंगे, लॉजिकल इंटरफेस है, सो ही विल बी द फर्स्ट रेफरेंस टू द लॉजिकल इंटरफेस इंस्टेड ऑफ द फिजिकल इंटरफेस। मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास लुपबैक मैंने क्रिएट किया राउटर के ऊपर, तो ये जो फिजिकल इंटरफेस है इसके बीच का इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते राउटर आईडी के लिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा इलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है, मेरे वर्डिंग को समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास लुपबैक है, ठीक है, अगर मेरे पास लुपबैक है, तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, इस सिचुएशन में जो फिजिकल इंटरफेस के ऊपर भी हम लोगों ने जैसे देखा, यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है, इसमें अगर सबसे हाईएस्ट वाला आईपी एड्रेस जो था क्लास सी का, वो राउटर आईडी बन रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में अगर मेरे पास लुपबैक आता है, तो ये जो 3 है, राउटर ए बी एंड सी, जो 3 क्लासेस का मैंने नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज किया है या तो फिर नेटवर्क मैंने यहाँ पे दिया, इनमें से कोई भी राउटर आईडी नहीं बनेगा, लुपबैक को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये लुपबैक मेरा ऑटोमेटिकली राउटर आईडी बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लुपबैक कॉन्फिगर भी करते हो इंटरफेसिस के ऊपर, आप कभी वहां पे नो शटडाउन कमांड मत डालो, ठीक है,
और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ तो आपको पता चलेगा लुकबैक को नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट रूप से एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ ही होता है, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ, सेम ये राउटर आईडी का भी प्रैक्टिकल मैं बताने ही वाला हूँ, ओके। बेसिकली कंसेप्ट समझो, ठीक है। अगर मेरे पास दो लुकबैक है, एक लुकबैक का आईपी जैसे 192.168.1.1 और एक है 1.2, सो हाईएस्ट इंटरफेस ऑफ द लुकबैक ही विल बिकम एज अ राउटर आईडी, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास फिजिकल इंटरफेस है तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस, अगर लुकबैक है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और लुकबैक में भी मल्टीपल लुकबैक है तो हाईएस्ट लॉजिकल आईपी एड्रेस, लॉजिकल इंटरफेस, जो भी कुछ लॉजिकल इंटरफेस देंगे तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग, अभी हम लोग बात करेंगे ओएसपीएफ टेबल्स की, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले राउटिंग प्रोटोकॉल देखे तो उसके अंदर भी सेम टेबल थे, सेम एज ओएसपीएफ के अंदर भी अगर मैं बात करता तो ओएसपीएफ इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज हैविंग थ्री टेबल्स, ओके। तो सबसे पहले टेबल की बात करेंगे नेबर टेबल, नेबर टेबल, द सेकंड वन इज अ डेटाबेस टेबल एंड द थर्ड वन इज अ राउटिंग टेबल, ओके। राउटिंग टेबल के बारे में हम लोग ऑलरेडी अवेयर है, राउटिंग टेबल क्या करता है, सेम एज बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह ये भी अपने राउट्स को वहां पे हम लोग शो कर सकते हैं, राउट्स को देखने का काम कर सकते हैं राउटिंग टेबल के थ्रू, ठीक है। आई होप आप लोग इसके बारे में अवेयर है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, हम लोग फोकस करेंगे नेबर एंड द डेटाबेस टेबल, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ईआईआरपी से राउटिंग प्रोटोकॉल सिखाया था, ईआईआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने जब पता किया था शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या पता चलता था मुझे, जो मेरा नेबर राउटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती थी, जो भी मेरा नेबर इंटरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, मैंने जस्ट कंसीडर इस इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस दिया है 10.1.1.1 और यहाँ पे दिया 1.2, तो राउटर वन बोलेगा कि 1.2 इज माई नेबर एंड राउटर बी बोलेगा 1.1 इज माई नेबर, ओके। तो ये तो EIGRP की बात थी, खैर OSPF में भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, OSPF हमेशा नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन देता है ना कि इंटरफेस की, ये राउटर की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जब भी तुम शो आईपी OSPF नेबर, मेरा कमांड फिर से सुनो, शो आईपी OSPF नेबर ये कमांड डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आपका नेबर राउटर है उसका राउटर आईडी दिखेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया OSPF जो राउटर आईडी होता है वो राउटर का आइडेंटिफिकेशन होता है, राउटर को मतलब एक डिफाइन करने का काम होता है। जैसे कि मैंने बताया क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक का नाम अलग अलग होता है, तो एक नाम से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हाँ इस बंदे का नाम ये है। सेम एज राउटर OSPF में राउटर आईडी इसलिए होता है क्योंकि एक राउटर का आइडेंटिफिकेशन होता है, ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखने ही वाले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज OSPF डेटाबेस, ठीक है। अभी OSPF इज अ डेटाबेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी तक तो मैंने बताया नहीं, बट इन फ्यूचर मैं बताने वाला ही हूँ, OSPF ये इसमें कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एरिया कंसेप्ट, ठीक है। ये बाकी प्रोटोकॉल से अलग इसलिए है क्योंकि OSPF में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं कि आप 200 ही राउटर यूज करो या 255 राउटर यूज करो या 100 राउटर यूज करो, जैसे कि बाकी के प्रोटोकॉल ये क्या बोलता है, मैक्सिमम होप काउंट इज 50, तो आप 16 राउटर यूज करो, EIGRP बोलता है मेरा 255 तक लिमिट है लेकिन बाय डिफॉल्ट इज 100, लेकिन OSPF ऐसा नहीं, OSPF बोलता है कि आप अनलिमिटेड हॉप काउंट, अनलिमिटेड राउटर यूज करो, ठीक है। तो अगर मेरे पास अनलिमिटेड राउटर रहेंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास बहुत सारे राउटर्स का डेटाबेस रहेगा, ठीक है। सो इतना बड़ा डेटाबेस को मेंटेन करना, लाइक मतलब जस्ट कंसिडर करो एक ग्रुप है, ग्रुप में 500 राउटर है और 500 राउटर का डेटाबेस मेंटेन करना इज वेरी हेक्टिक, ठीक है। जस्ट अगर मैं इसके तौर पर एक एग्जाम्पल दूँ तो जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास एक हाथ कंपनी है, ठीक है, कंपनी में 500 लोग काम करते हैं और मैं अकेला बंदा हूँ जो मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, तो ये 500 यूजर्स को एक अकेला पर्सन मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि ये 500 लोग है इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं इसका काम करता हूँ, इसको 5 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ, हर हिस्से में 100 100 यूजर डाल देता हूँ, ठीक है,
100 यूजर डाल दिए, और मैं क्या करता हूँ कुछ ऐसे 5 लोगों को हायर करता हूँ जो हर डिपार्टमेंट के 100 यूजर को हैंडल कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या किया, एक ही ग्रुप, मतलब सबका काम तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन मैंने इनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया 100 के हिसाब से, और जो 1% के ऊपर काम था वो 5% के ऊपर मैंने थोप दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1% जितना एफर्ट लगा रहा था उससे 5 गुना कम एफर्ट्स 5 लोग मिलकर लगा रहे हैं, करेक्ट। तो सेम एज OSPF इज अ डेटाबेस प्रोटोकॉल, ठीक है, डेटाबेस मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कॉन्फिगर करने वाले, मतलब यहाँ पे एरिया 0, एरिया 10, 20 बहुत सारे एरियाज है, लेकिन एरिया 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, वो हम लोग जब एरिया वाला कंसेप्ट सीखेंगे उसके अंदर पता ही चलेगा। ठीक है, तो OSPF के अंदर अगर मैं मल्टीपल एरियाज क्रिएट करता हूँ, जस्ट कंसीडर करो, जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो 500 लोगों का डेटाबेस हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट, अभी 1% को 100 लोगों का डेटाबेस हैंडल करना है, सेकंड पर्सन को सेकंड वाले 100 लोगों का डेटाबेस संभालना है, तो एज कम्पेयर टू 1% 500 लोगों का डेटाबेस हैंडल करता था, उसके बदले में 1% 100 लोगों का हैंडल कर रहा है, तो इस लाइक उसके एफर्ट्स कम हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से OSPF पे हम लोग मल्टीपल एरियाज लेने वाले, और मल्टीपल एरियाज के वजह से OSPF में मल्टीपल डेटाबेस आएंगे। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एरिया का डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस, तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं, डेटाबेस को भी सेपरेट कर सकते हैं एरिया वाइज। ठीक है, तो OSPF ये एक डेटाबेस प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने बताया OSPF के अंदर 3 टेबल्स होते हैं, बेसिकली नेबर टेबल होता है, नेबर टेबल आपको अपने नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सेकंड इज अ डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल मतलब जो लिंक स्टेट डेटाबेस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे OSPF का डेटाबेस चेक करना है तो मेरे पास कमांड है शो आईपी OSPF डेटाबेस, ओके। अगर मेरे पास OSPF का नेबर चेक करना है तो मेरे पास कमांड है शो आईपी OSPF नेबर, एंड मेरे पास राउटिंग टेबल चेक करना है तो मेरे पास कमांड है शो आईपी राउट OSPF, तो उसके अंदर मुझे OSPF के राउट्स देखेंगे। अगर फुल्ली राउटिंग टेबल चेक करना है तो मेरे पास कमांड है शो आईपी राउट, जो कि मैं बाकी प्रोटोकॉल के लिए भी यूज करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। सो अभी के सेशन में हम लोगों ने देखा राउटर आईडी क्या होता है, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा OSPF टेबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एरियाज के बारे में इन फ्यूचर आने ही वाले, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको एक कॉन्फिगर करके दिखाऊंगा सिंगल एरियाज के अंदर, और एज वेल एज मैं आपको उसके अंदर राउटर आईडी भी कॉन्फिगर करके दिखाऊंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड।